अभी आटा गूंद रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ। आज डिनर में बनेगा रोटी और एक मिक्स करी, तो वही तैयार चल रहा है डिनर का। तो ये लोग सब तो इधर टीवी देख रहे हैं, इसलिए मैं अकेले किचन में क्या करूँ, इसलिए इनके पास आकर चरणों में आकर मैं उस आटा गूंद रही हूँ। भारतीय नारी हूँ, भारतीय नारी। वो हंस रहे। और इवनिंग स्नैक्स में चाय पाई, हमारा सारा चीज हो गया, बस अभी डिनर का तैयारी कर देती हूँ। और मैं सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, वीडियो में कैमरा को मतलब दूर रख दिया था। आज मैं फुल डे रेस्ट की हूँ, क्योंकि ये जब नहीं रहते ना मेरा एनर्जी लॉस हो जाता है और मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ, कुछ भी नहीं किया। बस आज लंच में हम लोग अंडा करी और राइस खा लिए थे, उतना में सिंपल में आज चला दिया मैं काम। जब तक मैं आटा अच्छे से गूंद लेती तब तक मैं किचन में जाकर सेटिंग करके फिर मैं डिनर का रूटीन दिखाऊंगी आपके साथ। अंडा करी देखना है, देख लीजिए। और ये मैं किचन में आ गई, आटा गूंद के रख दिया था। और ये आज मैं चना दाल और बैंगन आलू मिक्स करके एक सब्जी बनाऊंगी। बैंगन आलू को मैं चॉप कर दी हूँ, और ये चना दाल भी मैं एक घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको पानी को ड्रेन कर दूंगी और इसको मिला के फटाफट एक वेज करी बना देंगे, मिक्स वेज करी। रात में तो बहुत ही सिंपल बनता है हमारा, एक सब्जी बनता है, वो फ्राई वाला हो या जैसे करी वाला, उसके साथ चपाती। हमारा डेली ज्यादातर यही बनता है। और चलिए फिर बनाते हैं। अभी ठीक है, अभी गैस को कर देंगे ऑन और मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना दूंगी। ये वाला करी कुकर में ही बन जाता फटाफट, तो इजी होता है। ये लगाओ और थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालेंगे इसमें, एक टमाटर डालूंगी, वो लेकर आ जाती हूँ मैं फ्रिज से। अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल डाल दूंगी कुकर में, फिर अब इसमें सरसों, थोड़ा जीरा और एक सूखी लंका डाल दूंगी तड़का लगाने के लिए। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के तुरंत मैं इसमें थोड़ा हल्दी डाल दूंगी। अब मैं इसमें चना दाल जो भिगो के रखी थी वो डाल दूंगी, डाल के थोड़ी देर इसको मिला लूंगी मसाला के साथ। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, पूरा चीज डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला को चना दाल के साथ। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा हींग, अब ये जो काट के रखे थे सारा सब्जी में डाल दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, मैं छोटा वाला दो टमाटर ली हूँ, बड़ा होगा तो एक लीजिए बस। अब फिर से मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम वेजिटेबल को, थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, बस सीटी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही ढक के मैं पकाऊंगी। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, मैं इसमें डेढ़ गिलास पानी डाली हूँ। मैं थोड़ा ग्रेवी को पतला रखूंगी, रोटी के साथ खाने के लिए अच्छा लगेगा, इसलिए अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया। अब मैं कुकर बंद कर दूंगी और उसको दो सीटी बस लगाऊंगी। बस
अब और एक सीटी आएगा तो हो जाएगा हमारा करी। बस अब आ गया ये दूसरा सीटी। सब्जी बनाना हो गया मेरा। अभी मैं आटा को गूंद के और थोड़ा अच्छे से गूंद दूंगी, इसके बाद बनाएंगे रोटी। और रोटी बनाने के लिए मैं तो पति का हेल्प लेती हूँ। पति जी, क्या हुआ? पति जी आइए ना। हाँ, क्या हुआ? आपका ड्यूटी मैं भूल गया था एक दिन में। हाँ, कैसे भूल जाते हो आप? तवा चूल्हे पे रख लो। कितना प्यारा पति मिला है मुझे, जो एक बार बुलाने से आकर मेरे लिए रोटी बेल देते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं इस जन्म के लिए ना। हाँ, इस जन्म के लिए तुम मेरे विक्रम और मैं तुम्हारा बेताल। विक्रम विक्रम बेताल बेताल। बेलो, अभी रोटी बहुत हो गया। ये देखिए कितना अच्छा प्यारा प्यारा गोल गोल रोटी बेले है अभी ने। अब मैं सेक सेक के जाऊंगी। देखो कैसे बेलते है अच्छी अच्छी रोटी। गुरु गुरु थोड़ा दिखाओ कैसे बेलते हो, तुम्हारा इतना अच्छा अच्छा रोटी कैसे बेल लेते हो। वाओ, कितना ट्रेनिंग दी हूँ ना मैं अच्छे से तुमको। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक टिप्स दूंगी रोटी के बारे में, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड पूछते हैं कि रश्मि तेरा ऐसे इतना अच्छा से रोटी कैसे फूलता है, और मेरे घर में भी बोलती है कि तेरी रोटी इतना अच्छे से कैसे फूलता है। तो मैं उन सबको एक टिप्स दूंगी कि जिसके पति बेले रोटी उसके पत्नी की फूले रोटी। ये है मेरी टिप्स। इसलिए आपको अगर रोटी आपके घर में नहीं फूल रहा है तो आप मेरी टिप्स ट्राई कर सकते हैं। क्या पति लोग को बोलिए आइए रोटी बेलिए, तब आपका रोटी फूलेगा। देखना कितने अच्छा से फूलता है। ये देखिए मेरा तो हर रोटी फूलता है, अच्छा से फूलता है। ये रोटी नहीं है, ये क्या है मालूम? ये पति का प्यार है जो इतना अच्छा से फूलता है। कैसा लगा मेरा टिप्स कमेंट में बोलिए। बस हो गया, बात करते करते रोटी भी बनाना हमारा हो गया। ये लास्ट वाला था, अभी डिनर लगा दूंगी मैं। नहीं पति, चलो ये मैं बना लेता हूँ। हाँ देखो, आज तुम्हारा रोटी फूलना चाहिए। फूल बन गया हमारा फुला फुला रोटी। ये फुला फुला रोटी नहीं, ये मेरे पति का प्यार है जो रोटी में बनाओगे ना। हाँ बनाओगे ना, बनाओ बनाओ बनाओ। दिखाओ, मैं भी दिखाती हूँ तुम कैसे रोटी बनाते हो। देखो भी थोड़ा और रुको 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 ओके ओके हाँ ठीक है तो बना बना ओके। अभी हो गया ना? हो गया हाँ, दूसरी तरफ। यस, इतने बार नहीं, एक एक बार ही सेकते। ठीक है, अभी ये लो, सेक लो सेक लो, इसको सेक लो। अब इतना बार कौन रोटी को ऊपर नीचे करता है? बस इधर। हाँ देखो, अरे वाह, ये अरे वाह फूला, देखा बेल के किसने दिया था। नहीं और इसको सीकर सेकना है ना? नहीं ऐसा ही ओके ठीक है ओके। हो गया हमारा रोटी। चलिए फिर अब डिनर में मिलते हैं। अभी लगा दो डिनर। ठीक चलो। और ये वो सब्जी, मिक्स सब्जी, ये भी रेडी हो गया। देखा कितना अच्छा लग रहा है। ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप चावल के साथ भी ले सकते हो, पर ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है।
ओके फ्रेंड्स, हमारा डिनर अभी फिनिश हो गया। अब बस बैठ के थोड़ी देर टीवी देखेंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद सो जाएंगे और क्या करेंगे। आप भी खाना खा के सो जाइए। कल वेडनेसडे ना, कल वेडनेसडे, देखते क्या बनाते क्या नहीं। चलिए फ्रेंड फिर बाय बाय, सी यू, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आप जब ये वीडियो देखोगे तो गुड मॉर्निंग हो जाएगा, पर मेरे लिए तो अभी गुड नाइट है। अभी थोड़ा आज मूवी वूवी कुछ देखे, आज तो ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, थोड़ी जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह हबी का ऑफिस रहता है। थोड़ी एक दो घंटा बैठ के एडिटिंग कर लूंगी ये वीडियो को। चलिए बाय बाय, से बाय बाय बाय।